हेलो फ्रेंड्स, ये है केवा का कंपनी का 7 प्लेट प्लैटिनम कोटिंग वाटर आयोनाइजर। इसके बारे में आपको आज मैं डिटेल देने वाला हूँ। इस मशीन के साथ में ये आप मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका मशीन का बॉक्स है। इसके साथ में आपको ये 7 प्लेट मशीन प्लैटिनम कोटिंग वाटर आयोनाइजर आपको मशीन आएगा। इसके साथ साथ में आपको क्या आएगा, इसके साथ में जो एक्सेसरीज है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ में ये आपका जो कनेक्टर है, ये जो हम लोग नल में कनेक्ट करते हैं, ये आपका टी कनेक्टर आएगा। इसके साथ में अगर आपको आरओ के साथ में मशीन जोड़ना है तो आरओ के नल में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टर उसके साथ में आपको आएगा। साथ साथ में आपको ये दो पाइप्स आएंगे जिसको आपको वाटर कनेक्शन के लिए आपको चाहिए। ये पाइप आपको उसके साथ में मिलेंगे। उसके साथ में ये केवा का कंपनी का मैनुअल आएगा, मशीन का मैनुअल है। इसमें पूरे सारे डिटेल्स जो है मशीन के बारे में, बेनिफिट्स, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ में आपको पीएच चेक करने के लिए ये पीएच लिक्विड आएगा, और दूसरा ओआरपी चेक करने के लिए ओआरपी लिक्विड आएगा। तो हम लोग अभी मशीन ऑन करते हैं और देखेंगे कि मशीन कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मशीन का मेन स्विच ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑन हो चुका है, लेकिन मशीन ऑन नहीं हुआ है। अब मशीन जब तक आप कोई भी पीएच का बटन नहीं दबाते तब तक आपका मशीन ऑन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जो सिंपल है लो पीएच का जो बटन है वो मैं यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ। अभी मैंने जैसे मशीन स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये ऊपर का जो पाइप है यहाँ से आपको अल्कलाइन वाटर मिलेगा, और नीचे का जो ये पाइप आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है इसमें आपको एसिडिक वाटर मिलेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पानी कैसा है। तो हम लोग पानी ले लेते हैं यहाँ पे लो पीएच का एक इसमें, और इसमें एसिडिक वाटर जो दूसरी तरफ से आ रहा है ये भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और इसका हम लोग अभी पीएच चेक करेंगे। तो पीएच चेक करने के लिए अपने पास में ये पीएच बॉटल है, तो ये जो है लो पीएच का पानी हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका पीएच जो है ये कितना आ रहा है, कैन सी ये अल्कलाइन वाटर है जिसका ब्लू है, और जो एसिडिक वाटर है ये येलोइश है। अभी हम लोग दबाएंगे 8.5 पीएच, जहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा पावर हम लोग बढ़ाएंगे और 8.5 पीएच वाला जो पानी है हम लोग यहाँ पे लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 8.5 पीएच का ये पानी ले लिया, और वैसे ही मैंने एसिडिक का जो पानी है वो भी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, उसका भी पीएच हम लोग चेक करेंगे। तो 8.5 जब लोग पीएच निकालते हैं तो एसिडिक कितना आता है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये इसमें मैंने डाल दिया, इसमें भी मैंने डाल दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एसिडिक भी बढ़ गया पीएच, और अल्कलाइन का पीएच भी ये बढ़ गया, ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे हाई पीएच पे, जहाँ पे मशीन का पीएच, जिनको हाई पीएच की ज्यादा जरूरत है एसिडिक प्रॉब्लम है उनके लिए। तो मैंने ये हाई पीएच का पानी यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसका पीएच हम लोग अभी चेक करेंगे। ये देखिए पूरा पर्पल हो गया, डार्क एकदम, और एसिडिक भी आपका ये कलर चेंज हो गया। तो आप कलर देखेंगे तो एसिडिक का भी कलर चेंज हो रहा है, और अल्कलाइन का कलर भी आपको यहाँ पे चेंज होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीएच ओआरपी चेक करना है तो हमारे पास ओआरपी लिक्विड है, तो ये हम लोगों ने पानी ले लिया। अगर आपको ओआरपी चेक करना है तो ये ओआरपी लिक्विड के एक दो बूंद आपको पानी में डालना है। अगर तो कलर पिंक होता है तो आपका पानी का ओआरपी निगेटिव है, इसमें समझ में आता है। ये देखिए मैंने एक ही बूंद डाल दिया, ये पानी पूरा पिंक हो गया। तो अपने यहाँ पे ओआरपी भी हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। अभी इसमें और एक फंक्शनिंग है मशीन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑटोक्लीन। जब भी आप मशीन बंद करेंगे यहाँ पे, ये आपको बटन दबाना है, आपका मशीन बंद हो जाएगा। उसी टाइम पे यहाँ पे रिवर्स फ्लशिंग दिखा रहा है, तो आपका मशीन जो है ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है। तो एक मिनट जो है पूरा क्लीनिंग चलेगा, और यहाँ से जो पानी आएगा इसमें से आपको पूरा मशीन का जो अंदर का जो प्लेट्स है उसको पूरा क्लीनिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।